जय श्री कृष्णा बच्चों, मैं आपका फिजिक्स का टीचर हूं और मैं आपको बाकी और जो फिजिक्स है उसके बारे में पढ़ाऊंगा। और बेसिकली हम लोग जो एक्सपर्ट है, हमारा जो एक्सपर्टीज है वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के फिजिक्स के लिए है, जैसे आईआईटी का फिजिक्स या नीट का जो फिजिक्स है उसके लिए हम लोग स्पेशलाइज्ड हैं। तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के फिजिक्स और बोर्ड के फिजिक्स में फर्क यही होता है कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंदर न्यूमेरिकल्स ज्यादा आते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं, और बोर्ड के अंदर जो क्वेश्चन होते हैं वो कंसेप्चुअल होते हैं। तो बोर्ड के क्वेश्चन कंसेप्चुअल और थ्योरेटिकल होते हैं, तो थ्योरी तो हम लोग को पूरी की पूरी पढ़नी ही है भाई। जब तक थ्योरी या कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा तब तक तो हम मतलब क्वेश्चन सॉल्व भी नहीं कर पाएंगे। लेकिन अपना जो अल्टीमेट गोल रहेगा वो न्यूमेरिकल सॉल्व करना होगा। न्यूमेरिकल्स को कैसे सॉल्व करते हैं, हम लोग उसके एक्सपर्ट हैं, हम आपको बताएंगे। कोटा के अंदर हम लोगों ने यही किया है कि न्यूमेरिकल्स को कैसे सॉल्व करते हैं, प्रॉब्लम्स के थ्रू फिजिक्स कैसे सिखाई जाती है, इस पर हम लोगों ने वर्क किया हुआ है और ये हमारा फील्ड ऑफ एक्सपर्टीज है। तो जैसे स्टार्ट हम लोग करेंगे, तो स्टार्टिंग में सबसे पहले तो मैं आपको पहले ये बताना चाहूंगा कि फिजिक्स होता क्या है, फिजिक्स किस चीज को कहते हैं हम लोग, क्या है फिजिक्स जिसको हम लोग स्टडी करने जा रहे हैं। कई सारी फिजिक्स की डेफिनेशन है कि जो फिजिकल लॉज हैं उनकी स्टडी फिजिक्स को कहते हैं। एक डेफिनेशन ये भी बनती है फिजिक्स की कि एनर्जी जो है उसका फ्लो, ट्रांसफॉर्मेशन और एनर्जी की जो स्टडी है दैट इज कॉल्ड फिजिक्स। कई तरह की फिजिक्स की डेफिनेशन बनाई जाती है। मैं थोड़ा आपको ये समझाना चाह रहा हूं कि फिजिक्स में हम लोग अल्टीमेटली क्या करेंगे, क्या सीखेंगे फिजिक्स में, ये मैं आपको सिखाने जा रहा हूं। कुछ ऐसे समझिए फिजिक्स क्या होती है, इसको समझने का मतलब ये है, आप इस तरह से समझिए कि जैसे फिजिक्स के अंदर क्या होता है, हम लोग फिजिक्स नेचर के बहुत सारे नियम है, बहुत नेचर जब से बना है दुनिया को भगवान ने बनाया है कि इंसान ने बनाया है कि ये दुनिया रियल है कि मैट्रिक्स है कि वर्चुअल दुनिया है कि क्या है, ये सब हम लोग नहीं जानते हैं। लेकिन जब से ये नेचर इस एग्जिस्टेंस में आया है या जब से इंसान समझदार हुआ है, उसने क्या किया है कि फिजिक्स के जो नियम होते हैं या नेचर के अंदर जो छिपे हुए नियम होते हैं उन लॉज को ढूंढता है, उन्हीं लॉज को ढूंढता है और उनको मैथमेटिकल इक्वेशंस की मदद से उन लॉज को इक्वेशंस में कन्वर्ट कर देता है और फिर इक्वेशन सॉल्व करते हैं हम लोग और फिर ये होता है कि हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। तो बेसिकली जो नेचर के अंदर छिपे हुए तरह तरह के लॉज हैं उनको ढूंढने का काम जो है वो फिजिक्स करता है। फिजिक्स का काम है प्रकृति के अंदर छिपे हुए नियमों को ढूंढना, नेचर के अंदर जो लॉज हिडन है उनको ढूंढना। अब नेचर के अंदर जो लॉ, ऐसा नहीं कि न्यूटन ने अपना नियम दिया तो न्यूटन ने लॉ बनाया, लॉ तो पहले से नेचर में एग्जिस्ट कर रहा था। न्यूटन ने पता लगाया कि भाई फोर्स लगाओगे एफ, मास एम होगा तो एक्सेलरेशन ए के बराबर होगा और एफ इज इक्वल टू एम ए, जहां एफ एम ए अपनी अपनी रिस्पेक्टिव जो वैल्यूज है वो है। तो फिजिसिस्ट क्या करता है कि प्रकृति के अंदर नेचर के अंदर जो छिपे हुए नियम है उनकी खोजबीन करता है और उनकी खोजबीन करके उनको मैथमेटिकल सिंबल्स की मदद से लोगों के सामने रखता है। फिजिसिस्ट का काम यही है कि प्रकृति के नियमों को ढूंढना। अब प्रकृति के नियमों को जैसे जब से दुनिया बनी है, पुराने जो हमारे एंशियंट ऋषि मुनि थे वो लोगों ने वेद लिखे, वेद के अंदर प्रकृति के जो नियम थे उन नियमों को उन लोगों ने ऑब्जर्व किया, जो उनकी अपनी बुद्धि थी उस बुद्धि उस समझ के हिसाब से उन लोगों ने वेद लिखे। आयुर्वेद भी पहले था, तरह तरह की पहले भी विधाएं थी, इंडिया में भी थी, अरब में भी थी, यूरोप में भी थी, सब जगह पे लोगों ने नेचर को ऑब्जर्व किया और नेचर के अलग अलग लॉज को लोगों ने स्टडी करना चालू किया। इसी चक्कर में ईश्वर का भी कंसेप्ट आ गया, भगवान का भी कंसेप्ट आ गया, लोगों ने सोचा कि भाई कोई भगवान है जिसने क्रिएट किया होगा। तो ईश्वर की भी बहुत सारी थ्योरीज बनी जिसको हम लोग रिलीजन कहते हैं। ये रिलीजन क्या है, बेसिकली एक तरह की थ्योरीज है कि भाई कोई कहता है कि ईश्वर जो है तलवार लेके चलता है, कोई कहता है कि ईश्वर जो है तीर कमान लेके चलता है, कोई कहता है कि ईश्वर दिखता ही नहीं है। सबकी अपनी अपनी थ्योरीज थी, वो जो थ्योरीज थी वो थ्योरीज जो है वो रिलीजन आई। तो ऐसे करके जब जैसे जैसे लोग समझदार होते गए वैसे वैसे लोगों ने तरह तरह की थ्योरीज नेचर को ऑब्जर्व किया और अपनी बुद्धि के हिसाब से जो उनको समझ में आया, अपनी बुद्धि अपनी समझ के हिसाब से पुराने ज्ञान के आधार पर उनको जो भी बात समझ में आई उसको उन्होंने अपनी बुक में अपनी किताब में अपनी थ्योरी में लिख दिया। और धीरे धीरे करके अब इसमें होता क्या जा रहा है कि जैसे जैसे लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है, समझदार लोगों की, लोगों का ऑब्जर्वेशन की कैपेसिटी बढ़ती जा रही है, तो लोग जितना बढ़िया से ऑब्जर्व करते हैं, जैसे कुछ काम गैलीलियो ने किया उनके अंदर जो कमी रह गई थी उसको ऑब्जर्व किया न्यूटन ने अपने नियम दिए, फिर न्यूटन ने कुछ काम किया तो उनके काम के अंदर कुछ ना कुछ कमी रह गई थी
उस कमी को आइंस्टाइन ने दूर किया, और फिर आइंस्टाइन ने काम किया, उनके काम में अगर कुछ कमी है जिस पे चर्चा इस समय चल रही है बहुत बहुत ज्यादा, तो आइंस्टाइन के कामों में अगर कुछ कमी रहेगी तो कोई एक और आदमी आएगा जो उस कमी को दूर करेगा। ऐसे जितना भी केयरफुल ऑब्जर्व करने वाले लोग आए, जितना महीन तरीके से लोग ऑब्जर्व करने आए, उतना ही ज्यादा थ्योरीज जो है वो डेवलप होती गई। अच्छा, फिजिक्स के अंदर जो मुझे सबसे अच्छी बात फिजिक्स के अंदर लगती है, जो मतलब मैं बार बार स्टूडेंट से भी बोलता हूं और मैं अपना पर्सनल भी बताता हूं, इसके अंदर कोई इंसान इंपॉर्टेंट नहीं है, कोई आदमी इंपॉर्टेंट नहीं, इसके अंदर थॉट इंपॉर्टेंट है, विचार महत्वपूर्ण है। न्यूटन का विचार सही होगा तो न्यूटन के बहुत सारे थॉट गलत भी हो गए, न्यूटन की कॉर्पस्कुलर थ्योरी गलत हो गई, और भी बहुत सारी थ्योरीज न्यूटन ने दी थी गलत हो गई। तो न्यूटन का महत्व नहीं, आइंस्टाइन का महत्व नहीं है, मेरा महत्व नहीं है, तुम्हारा महत्व नहीं है, महत्व किसका है? विचार का। एक आदमी थॉट देता है और वो थॉट बाकी लोग एग्जामिन करते हैं और बाकी लोगों को और एक्सपेरिमेंट करते हैं, और बाकी लोगों को अगर वो थॉट समझ में आ जाता है तो वो एक थ्योरी बन जाती है, जब तक कि अगला आकर के एक कोई नया थॉट ना दे दे। जैसे फिजिक्स क्या है या फिजिक्स का डेवलपमेंट कैसे हुआ है, मैं इसको आप एक एग्जांपल के थ्रू समझाने जा रहा हूं। ये बोर्ड पे मैंने एक फिगर बना रखा है, इसके अंदर ये बस समझाने के लिए मोटा मोटा फिगर है। ये एक बॉलर है जो बॉलिंग कर रहा है और ये बैट्समैन है बैटिंग कर रहा है। ये तीन विकेट लगे हुए, तीन विकेट इधर लगे हुए। अब जैसे मान लो कि हम लोग क्रिकेट के रूल्स अच्छी तरह से जानते हैं, मैं और आप क्रिकेट के जो नियम होते हैं उनको अच्छी तरह से जानते हैं कि भाई ये इधर से छह बार दौड़ेगा और फिर ये यहां से दौड़ लगा के रन लेगा तो एक रन होगा, बाउंड्री के पार गेंद चली गई तो चार रन हो जाएगा, सीधे चली गई तो छह रन हो जाएगा। ऐसे तरह तरह के नियम होते हैं जो हम लोग जानते हैं, क्योंकि हम हिंदुस्तानियों को क्रिकेट का बड़ा शौक है और हमें किसी ने कभी कोई नियम सिखाया भी नहीं है। मुझे किसी ने आज तक ऑफिशियली क्रिकेट का कोई नियम नहीं बताया, लेकिन डकवर्थ लुईस से लेके और जितने भी नियम आते हैं सब सबको पता होते हैं। अब इसको आप ऐसे समझिए कि हमें क्रिकेट के सारे नियम पता है, हमें क्रिकेट का जो गेम है उसको इतनी ऊंचाइयां दी हैं। एक ऐसा समझिए कि कोई एलियन आता है, किसी दूसरे मतलब गैलेक्सी से एक आदमी आता है और जिसको क्रिकेट के गेम की कोई समझ नहीं है। ठीक है, एक दिन क्रिकेट का मैदान जो है उसमें क्रिकेट का खेल चल रहा होता है और जो एलियन होता है वो चुपचाप जाके वहां बैठ जाता है इंसान का रूप धर के और इस गेम को देखता है। तो जब वो इस गेम को देखेगा तो इस गेम को देख करके आधे पौन घंटे तक जब इस गेम को देखेगा तो देख करके कुछ अपने मन में वो विचार बनाएगा। जैसे गेम है उसको कोई जानकारी नहीं कि भाई ये क्या चल रहा है, तो जब इस गेम को देखेगा तो कुछ मन में विचार बनाएगा। पहला विचार तो ये बनेगा कि भाई इधर वाला जो आदमी है ये छह बार दौड़ लगाता है, छह बार दौड़ लगाता है और ये गोला इसकी तरफ मारता है और ये इस गोले को इस डंडे से मारता है और डंडे से मार के दौड़ लगा लेता है। ठीक है, तो उसने एक अपने मन में एक नियम बना लिया कि ये छह बार दौड़ेगा और जब जो ये गोला है इस डंडे से लग जाएगा तो ये गोला इधर से उधर भागेगा तो ये आदमी क्या करेगा, इधर दौड़ेगा और फील्डर होंगे तो फील्डर काउंट कर लेगा कि यार एक समय पे जो नंबर ऑफ फील्डर्स हैं मतलब कुल मिला के जो लोग हैं वो 11 लोग हैं और ये दो लोग इधर होते हैं, एक इधर से दौड़ लगाता है एक इधर से, ऐसे कुछ कुछ करके नियम बनाएगा। तो अब उसने अपने मन में नियम बना लिया कि भाई ये इस तरफ से छह गेंदे फेंकेगा, नियम बन गया पहला नियम। अब लेकिन देखता रहा और जब उसने बारीकी से देखा तो उसने देखा यार कई बार क्या होता है कि ये आदमी इधर से सात बार फेंक देता है। तो अब नियम में बदलाव हुआ, उसका ऑब्जर्वेशन और रिफाइन हुआ और महीन हुआ, तो उसने देखा कि सात बार फेंक रहा है, जब सात बार फेंक रहा है तो उसके दिमाग में आया, फिर उसने और केयरफुली ऑब्जर्व किया तो उसको पता चला कि कोई गेंद अगर ये जो तीन डंडे हैं इससे थोड़ा ज्यादा दूर चली जाए तो वाइड हो जाएगी और उस केस में इसको एक दौड़ और लगानी पड़ेगी, एक बार और फेंकना पड़ेगा। तो पहला नियम तो था कि छह बार फेंकेगा, दूसरा उसने नियम बनाया कि अगर ये गेंद जो है थोड़ा सा इस डंडे से थोड़ी सी पर्टिकुलर लाइन के इधर चली जाएगी जिसको हम वाइड बॉल कहते हैं तो उस कंडीशन में इसको एक दौड़ और लगानी पड़ेगी, ये नियम उसने बना लिया। अब फिर उसके बाद उसने देखा कि यार एक बार ऐसा हो रहा है उसका एक नियम बन गया, उसने अपनी डायरी में नियम लिख लिया। फिर अगली बार उसको ये पता था कि अगर इस डंडे से लग के गेंद कोई पकड़ लेगा ऐसे कैच कर लेगा तो इसको वापस जाना पड़ेगा, फिर ये बैट्समैन आउट हो गया जिसको हम लोग आउट कहते हैं, तो इसको वापस जाना पड़ेगा। लेकिन उसने ये देखा कि एक बार इसने डंडे से जोर से मारा, किसी ने उसको पकड़ भी लिया गेंद को लेकिन आउट नहीं हुआ, तो एक नया नियम बना। इसने देखा कि यहां पे नो बॉल हो गई थी जिसको हम लोग नो बॉल कहते हैं, नो बॉल में कैच आउट नहीं होता है, तो इसने एक नया नियम देखा कि भाई यहां पर अगर ये एक पर्टिकुलर लाइन से ज्यादा आगे बढ़ करके बॉल फेंकेगा तो नो बॉल हो जाएगी और ये आउट नहीं होगा। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि जैसे जैसे इस गेम को वो एलियन या वो व्यक्ति बारीकी से देखता जाएगा वैसे वैसे नए नए नियम बनाते जाएगा। क्रिकेट के नियम वही है,
लेकिन जब जितना केयरफुली ऑब्जर्व किया जाएगा नियम उतने अच्छे से समझ में आएंगे। तो अब क्या है, ऐसा नहीं कि ह्यूमन जो सिविलाइजेशन है या हम लोगों ने सब कुछ जान लिया है, हम लोग अभी भी बहुत सारे फिजिकल फिनोमिना को समझ नहीं पाए हैं, उनको ऑब्जर्व कर रहे हैं और ऑब्जर्व करते करते उनके बारे में नए नए नियम दे रहे हैं। मैंने एक नियम दिया, ठीक है, मेरी बहुत इज्जत है, अगला आएगा वो एक नियम देगा, तो वो नियम मेरा गलत अगर हो गया तो ऐसा नहीं कि मेरी इज्जत कम हो जाएगी, मेरा भी नाम याद किया जाएगा कि भाई इन्होंने यहां तक फिजिक्स को ले आए थे, फिर उसके आगे फिजिक्स को ये ले गए, फिर उसके आगे फिजिक्स को ये ले गए। तो इस तरह से कहने का मतलब ये है कि यही गेम सा चल रहा है, खेल सा चल रहा है, नेचर एक खेल खेल रहा है और आपको उस खेल को बारीकी से एनालाइज करना है। तो फिजिक्स के अंदर मैंने ये भी देखा है कि जो लोग बहुत अच्छे से चीजों को ऑब्जर्व करते हैं, जिनका ऑब्जर्वेशन अच्छा है, ठीक है, ऑब्जर्वेशन पावर जिनकी ज्यादा अच्छी है वो लोग, क्योंकि हमें ऑब्जर्व ही करना है हमारे आसपास जो खेल चल रहा है, ठीक है, वही ऑब्जर्व करना है हमें। और फिजिक्स में आप देखें तो फिजिक्स की एक अच्छी बात और बताऊं, थोड़ा सा मैं फिजिक्स के बारे में बात करूंगा क्योंकि भाई शुरुआत हम लोग कर रहे हैं तो हमें पता होना चाहिए कि हमें क्या करना है। आप देखो तो फिजिक्स को जो जेई लेवल का और जो नीट लेवल का या प्लस टू लेवल का जो फिजिक्स है उसके अंदर आप देखो जितनी भी ब्रांचेज हैं फिजिक्स की सारी ब्रांचेस जो हैं वो हमारे आसपास की ब्रांचेस हैं। जैसे आपको नहीं दिख रहा है लेकिन यहाँ एक फैन लगा हुआ है, ये फैन घूमेगा ना तो पूरा एक चैप्टर बन जाएगा सर्कुलर मोशन, और रिजिड बॉडी डायनेमिक्स भी बन जाएगा। ये चौक आपको दिख रही है, ये चौक मैंने ऐसे उछाल के फेंक दी तो ये एक चैप्टर बन गया प्रोजेक्टाइल मोशन, ठीक है। एक कोई बॉडी स्ट्रेट लाइन में जा रही है, एक ट्रेन जा रही है, तो वो एक मतलब हमारे आप देखो तो जैसे एक ब्रांच फिजिक्स के अंदर ऑप्टिक्स आती है, एक हीट आती है, उसके अलावा इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म ब्रांच आती है, जो ये यहाँ पे लाइट वाइट जल रही है सब में करंट फ्लो कर रहा है तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म हो गया। तो फिजिक्स की जो भी ब्रांचेस हैं अगर आप मॉडर्न फिजिक्स को छोड़ दें तो वो सब हमारे आसपास की जिंदगी से जुड़ी हुई है, हमारे आसपास जो कुछ घट रहा है उसी से जुड़ी हुई है। आप फिजिक्स की अगर मॉडर्न फिजिक्स प्लस टू लेवल की बात करूं तो अगर आप मॉडर्न फिजिक्स को छोड़ दें तो पूरा का पूरा फिजिक्स हमारे आसपास घट रहा है। अब जो हमारे आसपास घट रहा है अगर हम उसको बहुत अच्छे से ऑब्जर्व कर सकते हैं तो इसका मतलब कि हम फिजिक्स को अच्छे से सीखेंगे। तो फिजिक्स सीखने के लिए हमारी ऑब्जर्वेशन अच्छी होनी चाहिए अगर हमें फिजिक्स अच्छा करना है। और बड़ा मजेदार सब्जेक्ट है फिजिक्स, बहुत ही मजेदार सब्जेक्ट है, मतलब जिन लोगों को फिजिक्स में मजा आता है ना तो फिर उनको इतना मजा आता है कि बाकी दुनिया ही भूल जाते हैं, इतना मजेदार है। लेकिन वही है कि अगर आप नेचर को प्रॉपरली ऑब्जर्व कर सकते हैं या नहीं भी कर सकते हैं तो ऑब्जर्व करने की आप अपने अंदर एक आदत डालिए और अपने आसपास जो कुछ भी घट रहा है उसको एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण, एक साइंटिफिक टेम्परामेंट के साथ देखने का प्रयास कीजिए। फिजिक्स को हम ऐसे डिफाइन करते हैं, फिजिक्स की जो डेफिनेशन है, वैसे कई सारी डेफिनेशन है लेकिन हम डिफाइन इस तरह से करते हैं फिजिक्स को, द स्टडी ऑफ The study of energy, the study of energy, its flow and its transformation The study of energy, its flow and its transformation is called physics. एनर्जी की स्टडी, इसका फ्लो और इसका जो ट्रांसफॉर्मेशन है इसी को हम लोग फिजिक्स कहते हैं, ठीक है। वैसे एक डेफिनेशन ये भी है, द स्टडी ऑफ लॉज ऑफ नेचर इज फिजिक्स, द स्टडी ऑफ फिजिकल लॉज ऑफ नेचर इज स्टडी। कुल मिला के कंसेप्ट यही है कि जो हमारे आसपास घट रहा है, प्रकृति के अंदर जो घट रहा है उसको कायदे से, उसको बहुत ही महीन तरीके से, माइन्यूट ऑब्जर्वेशन जो उसका है उसी को हम लोग फिजिक्स के नाम से जानते हैं। तो जैसे फिजिक्स क्या होता है, नेचर की स्टडी होती है, लेकिन जब हम नेचर को स्टडी करते हैं तो स्टडी करने के लिए हमें क्या चाहिए होता है, कुछ इक्वेशंस भी चाहिए होते हैं, कुछ हमें इक्वेशन बनाने पड़ेंगे, कुछ वेरिएबल लिखने पड़ेंगे। तो फिजिक्स पढ़ने के लिए हमें गणित की जरूरत पड़ती है, मतलब जब तक हमारे पास गणित के कुछ कुछ टूल्स हैं, जो मैथमेटिकल टूल्स हैं, वो जब तक हमारे पास नहीं रहेंगे तब तक हम फिजिक्स को अच्छे से नहीं सीख सकते। ये टूल्स क्या क्या, टूल का मतलब मैं समझा दूं, जैसे मान लीजिए मुझे कोई पेड़ काटना है, पेड़ काटना है तो पेड़ काटने का जो टूल है वो कुल्हाड़ी है। अगर मान लीजिए मुझे कोई नट बोल्ट खोलना है तो उसका जो टूल है वो रेंच है, रेंच की मदद से हम नट बोल्ट खोल सकते हैं। तो हर काम को करने के लिए कुछ टूल्स होते हैं, कोई भी हम काम परफॉर्म करेंगे, कोई मैकेनिक है वो बाइक रिपेयर करेगा तो उसके पास बहुत सारे टूल्स हैं, इलेक्ट्रीशियन है वो घर के अंदर बिजली के सामानों की मरम्मत करेगा तो बहुत सारे टूल्स हैं। इलेक्ट्रीशियन कितना भी अच्छा हो लेकिन अगर उसके पास टूल्स नहीं है तो उसका सारा ज्ञान बेकार है। तो टूल्स जो होते हैं
उसी तरह से फिजिक्स पढ़ने के लिए कुछ गणित के टूल्स की रिक्वायरमेंट होती है, तो वो जो मैथ के टूल्स होते हैं वो टूल्स मैं आपको सिखाने जा रहा हूं। लेकिन आपको ये समझना है, इस बात को समझना है कि ये टूल्स के बारे में बहुत डिटेल में बात नहीं करने वाले, सिर्फ उतनी ही बात करेंगे जितनी की फिजिक्स में जरूरत है। जैसे फिजिक्स के अंदर थोड़ी ट्रिग्नोमेट्री चाहिए होती है, फिजिक्स के अंदर थोड़ा कोऑर्डिनेट चाहिए होता है, थोड़ा थोड़ा, बहुत थोड़ा थोड़ा, जितना जरूरी है सिर्फ उतना ही पढ़ेंगे। उसके अलावा फिजिक्स के अंदर आपको थोड़ा सा डिफरेंशिएशन चाहिए होता है, थोड़ा सा आपको इंटीग्रेशन चाहिए होता है, थोड़ा सा एरिया अंडर द कर्व चाहिए होता है। तो फिजिक्स के अंदर बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो मतलब जिनकी गणित की ऐसे रिक्वायरमेंट होती है गणित की, तो वो एक एक करके वो सारे टूल्स हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले जो मैथमेटिकल टूल्स आते हैं उसके अंदर ट्रिग्नोमेट्री जो होती है वो मैं आपको बताऊंगा। वैसे तो देखिए जो मैं मैथमेटिकल टूल्स आपको बताने जा रहा हूं, ज्यादातर बच्चों को ये सब पता रहता है, 9th-10th में पढ़े रहते हैं, लेकिन फिर भी हम लोग जैसे जब पढ़ ही रहे हैं भाई, मतलब आईआईटी और नीट के हिसाब से हम लोग जब चीजों को पढ़ रहे हैं, तो हमें क्या करना होगा कि हमें वो सारे टूल्स को एक बार मैं दोबारा आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की बात करेंगे हम लोग। ट्रिग्नोमेट्री ठीक है, हिंदी में इसको त्रिकोणमिति कहते हैं। ये ट्रिग्नोमेट्री क्या होती है इसको हम लोग जानने समझने जा रहे हैं। ट्रिग्नोमेट्री में जैसे आपने ये सब 8th-9th-10th किसी क्लास में पढ़ा होगा, ट्रिग्नोमेट्री में क्या होता है, एक ट्रायंगल बनाया जाता है ठीक है, और जैसे मान लेते हैं कि ये एंगल थीटा है और ये जो ये वाला जो साइड है, जो एंगल के सामने वाला साइड होता है, ये मान लेते हैं 90 डिग्री का एंगल है, सामने वाला जो साइड है उसको एच बोल देते हैं हम, और जो एंगल से लगा हुआ साइड है उसको हम बेस बोल देते हैं, और हाइपोटेन्यूज को एल बोल देते हैं। तो कई सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हम डिफाइन करते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो होते हैं वो आपको सबको पता है, स्टिल मैं लिख रहा हूं, पता है आपको, मुझे मालूम है कि आपको पता है, स्टिल मैं इसलिए लिख रहा हूं कि हम लोग कंप्लीट पूरी स्टडी करें ठीक है। तो जैसे एक बार याद भी आ जाएगा, साइन थीटा जो होता है, साइन थीटा होता है हाइट अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो साइन थीटा हाइट अपॉन हाइपोटेन्यूज हो जाता है, तो एच अपॉन एल हो जाएगा। कॉस थीटा जो होगा ये होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो ये हो जाएगा बी अपॉन एल। टैन थीटा जो होता है वो होता है हाइट अपॉन बेस, तो ये एच अपॉन बी हो जाएगा। उसके अलावा जो कॉसेक थीटा होता है ये 1/sin θ होता है, कॉसेक थीटा जो है 1/sin θ होता है, उल्टा हो जाता है कॉसेक थीटा, तो ये हो जाएगा एल बाई एच। और उसके अलावा जो sec थीटा होता है ये बराबर जाता है 1/cos θ, और ये बन जाएगा b अपॉन l। ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है, और ये आपको सारे रेशियो पता है कि भाई साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, sec थीटा, cosec थीटा, एक cot थीटा भी आता है, वो भी मैं लिख दे रहा हूं। cot थीटा जो आता है दैट इज इक्वल टू 1/tan θ, cot थीटा 1/tan θ के बराबर होता है, और ये हो जाएगा बेस अपॉन हाइट, ये cot थीटा की वैल्यू आ गई। अब इसमें क्या होता है कि हम लोग कुछ खास एंगल, जैसे होता है 0 डिग्री, 10 डिग्री, 15 डिग्री, 17 डिग्री, ऐसे करके बहुत सारे एंगल्स होते हैं ना, तो उन एंगल्स के लिए हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की क्या वैल्यू होती है वो लिखने जा रहे हैं। वैसे तो आपको सब पता है, लेकिन फिर भी एक बार मैं वो रेशियो लिख देता हूं। सिर्फ मैं साइन कॉस टैन लिखूंगा, क्योंकि सेक कॉसेक और कॉट ये आप बता सकते हैं। तो जैसे यहां पर एंगल है, यहां पर उसका साइन है, यहां पर उसका कॉस है, यहां उसका टैन है। तो मैं अगर लिखना स्टार्ट करूंगा तो सबसे पहले अगर एंगल 0 डिग्री है तो ये भी 0 आएगा, कॉस 0 1 आता है और टैन 0 0 आ जाता है अगर एंगल 0 डिग्री है। एंगल अगर 30 डिग्री है ठीक है, तो 30 डिग्री है तो उसके इसमें साइन 30 डिग्री 1/2 आता है, कॉस 30 आता है √3/2, टाइम 30 आता है 1/√3। अगर एंगल 37 डिग्री है, ये 37 डिग्री जो है ये बड़ा पसंद है आईटी वालों को, एंगल 37 डिग्री के बहुत सारे सवाल आए हैं, तो ये नया एंगल भी है, कुछ लोग इसको नहीं जानते होंगे। साइन 37 होता है 3/5, कॉस 37 होता है 4/5, और टाइम 37 होता है 3/4। ये 37 डिग्री आ गया। अब उसके बाद 37 के बाद आपका 45 डिग्री है, तो साइन 45 होता है 1/√2, कॉस 45 भी 1/√2 होता है, और टैन 45 1 के बराबर होता है। इसी तरह से एक और एंगल होता है 53 डिग्री। 53 डिग्री अगर हम देखेंगे तो साइन 53 हो जाएगा 4/5,
कॉस 53 हो जाएगा 3/5 और टाइम 53 हो जाएगा 4/3। इसी तरह से एक एंगल और आता है 60 डिग्री, साइन 60 जो होता है वो √3/2 होता है, कॉस 60 जो होता है 1/2 होता है और टाइम 60 √3 होता है। उसी तरह से एक एंगल और आता है 90 डिग्री, तो साइन 90 1 आता है, कॉस 90 0 आता है और टाइम 90 जो है दैट इज इनफाइनाइट। इनफाइनाइट का मतलब नॉट डिफाइंड। ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं जो आपको याद रहने चाहिए, पूरी फिजिक्स में बार बार इनकी जरूरत पड़ती रहती है, ठीक है। तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं, इनको याद कर लें आप लोग। तो जैसे अलग अलग ट्रिग्नोमेट्रिक जो रेशियोज होते हैं उनके बारे में हमने देखा। अब ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं इनमें आपस में कुछ रिलेशन होते हैं, साइन थीटा कॉस थीटा टैन थीटा सेक थीटा कॉस थीटा। तो ये रिलेशन भी आपको याद करने हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, एक ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा रिलेशन होता है। दूसरा इसके अंदर आता है 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा आ जाता है। तीसरा आता है 1 प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सॉरी 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा, याद रहता है। यानी मेरे कहने का मतलब यह है कि कोई भी एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो अगर आपको दे दिया जाए तो बाकी जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं उनकी वैल्यू हम निकाल सकते हैं, ठीक है। जैसे मैं प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन आपको करा दे रहा हूं, आपको ये रिजल्ट याद रखने हैं। एक मैं क्वेश्चन दे रहा हूं, इफ साइन थीटा इज इक्वल टू 1/3 फाइंड अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। छह रेशियो होते हैं, एक आपको बता दिया, पांच पे चाहिए। फाइंड अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। अगर साइन थीटा 1/3 है तो बाकी के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू बताएं। तो एक मिनट का पॉज लेके खुद से सॉल्व करेंगे, फिर मेरा सॉल्यूशन देखेंगे। एक मिनट का पहले आप पॉज लेंगे। तो अब जैसे मान लीजिए साइन थीटा मुझे पता है, तो साइन थीटा से मैं कॉस थीटा निकाल सकता हूं। कैसे निकाल सकता हूं? कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू जाएगा 1 - साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब ये जो साइन थीटा की वैल्यू थी वो हमें यहां से दे रखी थी इन्होंने 1/3, तो इसकी वैल्यू 1/3 दे रखी थी। तो ये हो जाएगा 1 - 1/3 का होल स्क्वायर, और ये सॉल्व करने पर कितना हो जाएगा 8/9 आ जाएगा। ये सॉल्व करने पे 8/9 आ जाएगा, तो कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू आ गई 8/9। तो कॉस थीटा जो आएगा ये बराबर हो जाएगा 2√2/3। ये कॉस थीटा की वैल्यू आ गई। तो देखिए साइन थीटा आपको दिया था, कॉस थीटा आ गया, यहां से कॉस थीटा आ गया, तो यहां से आप टैन थीटा निकाल सकते हैं। टैन थीटा होगा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा ये क्या था 1/3 डिवाइडेड बाई 2√2/3। हाँ, तो 1/3 डिवाइडेड बाई 2√2/3, तो ये टैन थीटा कितना आ जाएगा 1/2√2 आ जाएगा। इस तरह से आप टैन थीटा आ गया तो कॉट थीटा 1/10 थीटा होता है वो निकाल लेंगे। साइन थीटा था तो कॉसेक थीटा आ जाएगा, कॉसेक थीटा 1/sin θ होता है, सेक थीटा 1/cos θ होता है। तो इस तरह से अगर हमें कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज दिए गए हैं तो बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू हम लोग इन आइडेंटिटीज को यूज करके निकाल सकते हैं। अब यहां पर ट्रिग्नोमेट्री में से जुड़ा हुआ एक CAST रूल होता है जिसको हम लोग कास्ट रूल कहते हैं। वैसे तो कास्ट का हिंदी में मतलब जाति होता है, जाति प्रथा जो है वो अच्छी चीज नहीं है, लेकिन यहां पर कास्ट रूल ट्रिग्नोमेट्री में हम लोग देखते हैं। और इसमें हम ये पता लगाते हैं कि कौन से क्वाड्रेंट में कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो होता है वो पॉजिटिव होता है और कौन सा नेगेटिव होता है। ये कास्ट रूल है। तो जैसे हम लोग जब ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल लेते हैं तो ऐसा नहीं कि हम जैसे 0 से 90 के बीच ही एंगल ले सकते हैं। हो सकता है हम 135 डिग्री का एंगल ले लें, हो सकता है हम 270 एंगल ले लें, हो सकता है हम 189 एंगल ले लें। तो हम किसी भी एंगल के लिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकाल सकते हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ 0 से 90 के बीच ही निकाला जा सकता है, किसी भी एंगल के लिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकाले जा सकते हैं। तो उसके जो रूल्स होते हैं वो मैं आपको सिखाने जा रहा हूं कैसे निकालेंगे। जैसे मान लीजिए
कि ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। अगर एंगल एंगल हम यहां से नापेंगे, जैसे मान लीजिए ये लाइन थी, ये एंगल हम मेजर कर रहे हैं, तो अगर एंगल 0 से 90 के बीच हुआ या रेडियन में बोले तो 0 से पाई बाई 2 के बीच हुआ, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि 0 से 90 के बीच हुआ तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा, ये क्वाड्रेंट नंबर 1 कहा जाता है, ये सेकंड क्वाड्रेंट कहा जाता है, जैसे एक्स वाई जेड के हिसाब से देखें तो ये पहला माना जाता है, ये दूसरा, ये थर्ड क्वाड्रेंट कहा जाता है एंड इट इज कॉल्ड फोर्थ क्वाड्रेंट। तो अगर 0 से 90 हुआ तो फर्स्ट क्वाड्रेंट, अगर 90 से 180 एंगल हुआ, 90 डिग्री से 180 हुआ तो सेकंड क्वाड्रेंट, 180 से 270 तक थर्ड क्वाड्रेंट और 270 से 360 तक फोर्थ क्वाड्रेंट। तो अगर एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट में हुआ यानी 0 से 90 के बीच एंगल होगा तो इसके अंदर ऑल पॉजिटिव होंगे, ऑल जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं, जो भी मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज बताए, ठीक है, जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो 6 रेशियो बताए, वो सब के सब पॉजिटिव होंगे, थीटा हम ऐसे नापते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद ये वाला जो क्वाड्रेंट होता है, इस क्वाड्रेंट के अंदर अगर हम देखेंगे तो इस क्वाड्रेंट के अंदर साइन जो होता है वो पॉजिटिव होगा। अच्छा, साइन पॉजिटिव होगा तो कॉसेक अपने आप पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि साइन का ही उल्टा तो कॉसेक होता है, अब साइन अगर पॉजिटिव हुआ तो कॉसेक तो अपने आप ही पॉजिटिव हो जाएगा, तो इसके अंदर साइन और कॉसेक पॉजिटिव हो गए, इसके अंदर टैन पॉजिटिव होगा, अच्छा टैन पॉजिटिव होगा तो कॉट तो अपने आप ही पॉजिटिव हो जाएगा, और इसके अंदर कॉस पॉजिटिव होगा, कॉस पॉजिटिव होगा तो सेक तो अपने आप ही पॉजिटिव हो जाएगा, तो इसके अंदर ऑल पॉजिटिव, इसके अंदर साइन पॉजिटिव, इसके अंदर टैन पॉजिटिव, इसके अंदर कॉस पॉजिटिव, तो इसी को हम लोग कास्ट रूल कहते हैं, कास्ट रूल, CAST, ठीक है। किसी बच्चे ने मुझे ये भी बताया था, बच्चों को थोड़ा साइंस के टीचर पसंद नहीं आते हैं, तो किसी बच्चे ने ये बताया था कि ये इसको आप ऐसे याद कर सकते हो, ऑल साइंस टीचर्स आर क्रेजी, ऐसे भी आप याद कर सकते हो, और ये CAST रूल या कास्ट रूल आप इसको याद कर सकते हो। तो यहाँ सारे रेशियो पॉजिटिव आएंगे, यहाँ साइन कॉसेक पॉजिटिव आएगा, यहाँ टैन कॉट पॉजिटिव आएगा, यहाँ पे सेक कॉसेक पॉजिटिव आएगा, ठीक है। तो ये कास्ट रूल है। अब इसके अंदर जैसे हमें अगर अलग अलग एंगल निकालना हो, मान लो साइन 135 निकालना है या कॉस 270 निकालना है या अलग अलग एंगल निकालने हैं, तो उसके लिए जो तरकीब होती है वो ये होती है कि अगर, ध्यान से समझिएगा इसको, ये चीज आपको समझनी होगी कि अगर साइन पाई बाई 2 प्लस समथिंग है, साइन पाई बाई 2 प्लस समथिंग है, तो जब हम यहां लिखेंगे ना तो जो साइन होगा उसका कॉस हो जाएगा, मतलब साइन पाई बाई 2 प्लस समथिंग है तो इधर जो आएगा साइन वाइन, तो बाद में जब वैल्यू लिखेंगे तब आएगा, तो इधर जो आएगा वो कॉस आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, साइन पाई बाई 2 प्लस थीटा अगर मैं लिख रहा हूं तो ये सेकंड क्वाड्रेंट में, समझिएगा, पाई बाई 2 ये हो गया, थीटा ये हो गया, तो ये सेकंड क्वाड्रेंट आ गया, और अगर ये सेकंड क्वाड्रेंट आ गया तो सेकंड क्वाड्रेंट में ये जो नंबर आएगा ये पॉजिटिव आएगा, तो साइन पाई बाई 2 थीटा जो होता है वो कॉस थीटा होता है। उसी तरह से कॉस पाई बाई 2 प्लस थीटा लिखूंगा तो ये सेकंड क्वाड्रेंट है। अच्छा, जब भी पाई बाई 2 रहेगा ना तो साइन का कॉस हो जाएगा, कॉस का साइन हो जाएगा, तो कॉस पाई बाई 2 प्लस थीटा जब होगा तो ये सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होता है तो यहां माइनस का साइन लगाएंगे, और चूंकि पाई बाई 2 प्लस थीटा था तो कॉस का साइन हो जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस साइन थीटा। इसी तरह से टाइम पाई बाई 2 प्लस थीटा होगा तो देखिए ये सेकंड क्वाड्रेंट आ गया, सेकंड क्वाड्रेंट में टैन नेगेटिव होता है तो यहां माइनस हो जाएगा, और जब भी पाई बाई 2 रहता है ना तो टैन का कॉट हो जाता है, तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ कॉट थीटा। कुल मिला के आप ये समझें, इसको ऐसे समझ सकते हैं कि जब भी कभी पाई बाई 2 होगा तो साइन का कॉस हो जाएगा, कॉस का साइन हो जाएगा, टैन का कॉट हो जाएगा, कॉट का टैन हो जाएगा, और साइन आपका इस कास्ट रूल से डिसाइड होगा। पाई बाई 2 प्लस समथिंग है तो सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन वाला तो जैसे ये साइन था तो ये तो पॉजिटिव रहेगा, बाकी कॉस और टैन वाले नेगेटिव हो जाएंगे इसी के अंदर। अच्छा, पाई बाई 2 और 3 पाई बाई 2 का रूल एक जैसा होता है, जैसे मैं यहीं पे लिखने जा रहा हूं साइन ऑफ 3 पाई बाई 2 प्लस थीटा, तो जब भी कभी 3 पाई बाई 2 या पाई बाई 2 होता है तो उस कंडीशन में क्या होता है कि साइन का कॉस में बदल जाता है, कॉस साइन में बदल जाता है जब भी। तो यहां पर अगर मैंने 3 पाई बाई 2 प्लस थीटा लिखा तो आप ध्यान से देखें तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट आ गया, 3 पाई बाई 2 का मतलब 90 प्लस 90 प्लस 90, अब थीटा और चले गए तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट आ गया, फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होना है तो यहां माइनस तो लगा ही दिया मैंने, और 3 पाई बाई 2 या पाई बाई 2 में कॉम्प्लीमेंट्री हो जाता है, मतलब साइन का कॉस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा कॉस थीटा। इसी तरह से अगर मैं कॉस ऑफ 3 पाई बाई 2 प्लस थीटा लिखूं
कॉस ऑफ 3π/2 प्लस थीटा लिखूंगा मैं, तो ये जो 3π/2 प्लस थीटा है ये चौथा क्वाड्रेंट होगा, ये एंगल चौथे क्वाड्रेंट में आया, चौथे क्वाड्रेंट में आया, तो चौथे क्वाड्रेंट में कॉस तो पॉजिटिव होता है तो ये पॉजिटिव ही रहेगा, और π/2 प्लस समथिंग या 3π/2 प्लस समथिंग में कॉस का साइन हो जाएगा, तो ये साइन थीटा हो जाएगा। इसी तरह से हम लोग यहां पर लिखें टैन 3π/2 प्लस थीटा, टैन 3π/2 प्लस थीटा जो हो जाएगा ये थर्ड, ये फोर्थ क्वाड्रेंट है, फोर्थ क्वाड्रेंट में टैन नेगेटिव है, सिर्फ कॉस पॉजिटिव होता है, यहाँ पे टैन नेगेटिव होगा ये हो जाएगा माइनस, और 3π/2 है तो टैन का कॉट हो जाएगा, तो ये कॉट थीटा हो जाएगा। अब मैं इस पूरे को अगर समराइज करूं, ऐसे बहुत सारी चीजें लिख दी, आप कंफ्यूज हो सकते हो, समराइज करूं तो अगर π/2 या 3π/2 है, π/2 प्लस थीटा या 3π/2 प्लस थीटा है, तो उस कंडीशन में क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट्री आ जाता है, साइन का कॉस हो जाता है, कॉस का साइन हो जाता है, टैन का कॉट हो जाता है, कॉट का टैन हो जाता है। अगर 3π/2 या π/2 है तो देखो यहां साइन था तो कॉस आ गया, कॉस था तो साइन आ गया, टैन था तो कॉट आ गया, साइन था तो कॉस आ गया, कॉस था तो, मतलब कॉम्प्लीमेंट्री हो जाएगा, π/2 प्लस 3π/2 अगर रहेगा तो उसकी कॉम्प्लीमेंट्री वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। और साइन डिसाइड होगा क्वाड्रेंट से, पहले क्वाड्रेंट में होगा तो सारे पॉजिटिव, दूसरे में होगा तो सिर्फ साइन पॉजिटिव, तीसरे में होगा तो टैन पॉजिटिव, चौथे में होगा तो कॉस पॉजिटिव, तो प्लस माइनस का फैसला तो इस कॉस्ट रूल से होगा, और π/2 और 3π/2 में कॉम्प्लीमेंट्री हो जाता है, साइन का कॉस हो जाता है, कॉस का साइन हो जाता है, टैन का कॉट हो जाता है, कॉट का टैन हो जाता है, ठीक है। तो ये आपको दिमाग में रखना है कि π/2 और 3π/2 में एक ही पैटर्न होता है, कॉम्प्लीमेंट्री हो जाएगा, प्लस और माइनस का डिसीजन जो होता है वो एंगल से होता है, प्लस माइनस का डिसीजन फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ किस क्वाड्रेंट में है उसके हिसाब से प्लस माइनस का डिसीजन होता है, ठीक है। तो ये तो साइन का रूल आ गया। अब इसके अंदर जैसे π/2 प्लस समथिंग है या 3π/2 प्लस समथिंग है तो उसका रूल है, साइन मान लीजिए पाई प्लस थीटा है, तो जब पाई होता है ना, पाई प्लस समथिंग रहेगा तो साइन का साइन ही रहेगा, जैसे साइन पाई प्लस थीटा है तो ये साइन का साइन ही रहेगा, हाँ, लेकिन ये क्वाड्रेंट तीसरा है, पाई प्लस थीटा का मतलब हम 90 गए फिर इस क्वाड्रेंट में आ गए, तो ये क्वाड्रेंट अगर तीसरा है तो इसका मतलब कि साइन थीटा तीसरे क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है तो माइनस साइन थीटा हो जाएगा। इसी तरह से हम कॉस पाई प्लस थीटा लिखें तो कॉस पाई प्लस थीटा जो आ जाएगा वो आ जाएगा माइनस कॉस थीटा, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस भी नेगेटिव होता है, ठीक है। और हम टैन पाई प्लस थीटा लिखेंगे तो ये बराबर हो जाएगा टैन थीटा, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में टैन पॉजिटिव होता है। देखो अगर पाई रहेगा, पाई के साथ आप कुछ भी ऐड करोगे तो साइन का साइन रहेगा, कॉस का कॉस, टैन का टैन रहेगा, लेकिन π/2 या 3π/2 में कॉम्प्लीमेंट्री में बदल जाता है, मतलब पाई साइन का कॉस हो जाएगा, कॉस का साइन हो जाएगा, टैन का कॉट हो जाएगा, कॉट का टैन हो जाएगा। तो जैसे मैंने आपको कॉस्ट रूल सिखाया था, इसमें सारे पॉजिटिव होते हैं, इसमें साइन और उसका उल्टा कॉसिक पॉजिटिव होगा, इसमें टैन और कॉट पॉजिटिव होगा, इसमें कॉस और सेक पॉजिटिव होगा। अब हम इसको थोड़ा अप्लाई करेंगे, कुछ मैं सवाल आपको कराऊंगा प्रैक्टिस के लिए, जिससे कि आप लोग अलग अलग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू निकाल पाएं। जैसे एक क्वेश्चन मान लीजिए, छोटे छोटे सवाल नहीं है, सवाल क्या है मैं आपको सिखा रहा हूं। जैसे मान लीजिए आपसे कोई कहे कि भाई फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 150, साइन 150 की वैल्यू बताइए, तो अगर कोई आपसे साइन 150 की वैल्यू पूछ रहा है तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं साइन ऑफ 90 प्लस 60, ऐसे लिख सकते हैं साइन 90, अच्छा 90 प्लस समथिंग होगा तो कॉम्प्लीमेंट्री हो जाता है, साइन का कॉस हो जाएगा या कॉस का साइन हो जाएगा, तो यह साइन है तो ये हो जाएगा साइन का कॉम्प्लीमेंट्री कॉस हो गया, जाएगा कॉस 60। अच्छा ये 150 डिग्री जो है सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल है, तो अगर सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल है ये, तो ये चीज साइन सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है तो यह पॉजिटिव ही रहेगा, तो कॉस 160 1/2 हो जाता है, तो साइन 150 की जो वैल्यू आती है ये 1/2 आ जाती है। एक और सवाल आपसे कोई कहे मान लीजिए कि कॉस 240 की वैल्यू बताओ, 240 डिग्री, एक मिनट का पॉज लेके फिर आप मेरा सॉल्यूशन देखिएगा, तो कॉस 240 की वैल्यू अगर बोलेगा तो 240 जो है ये आ रहा है थर्ड क्वाड्रेंट, 240 डिग्री थर्ड क्वाड्रेंट में आ रहा है, थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होता है, तो यहां हम ये तो समझ गए कि इसकी जो भी फाइनल वैल्यू आएगी वो नेगेटिव आएगी। अब कॉस 240 को मैं लिख सकता हूं कॉस ऑफ 180 प्लस 60, ऐसे लिख सकता हूं। हम जानते हैं कि 180 प्लस समथिंग में कॉस का कॉस ही रह जाता है, साइन का साइन ही रह जाता है, तो ये कॉस है तो कॉस ही रह जाएगा, तो ये हो जाएगा कॉस 60। लेकिन ये थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होता है तो यहां माइनस हमें लगाना पड़ेगा, माइनस लगाना पड़ेगा तो ये वैल्यू जो है ये -1/2 आ जाएगी, ठीक है। तो कॉस 240 जो है वो -1/2 आ जाएगा,
एक ये क्वेश्चन हो गया, एक और क्वेश्चन चलो करते हैं, छोटे छोटे क्वेश्चन नहीं है, मतलब ये बस एक सिखाने के लिए है। जैसे मान लीजिए आपसे कहा जाए कि भाई टैन 127 डिग्री की वैल्यू बताओ, एक मिनट का पॉज लो, खुद से करो, फिर मेरा सॉल्यूशन देखो। तो टैन 127 डिग्री की वैल्यू अगर निकालनी है तो फिर उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, इसको ऐसे लिखेंगे टैन 90 प्लस समथिंग जो होगा तो टैन का कॉट हो जाएगा हमेशा। अच्छा ये सेकंड क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर जो टैन होता है वो नेगेटिव होता है तो माइनस का साइन लगाएंगे, 90 प्लस समथिंग का तो टैन का कॉट हो जाएगा, तो हो जाएगा माइनस कॉट ऑफ, सॉरी ये 37 होगा, तो माइनस कॉट ऑफ 37। टैन 37 मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था 3/4 है, तो कॉट 37 कितना हो जाएगा, 4/3 हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग अलग अलग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की जो वैल्यू है वो निकाल सकते हैं। तो जैसे कास्ट रूल जो है इसकी प्रैक्टिस मैं आपको करवा रहा हूं, तो कुछ और इसके सवाल में दे रहा हूं। जैसे मान लीजिए आपसे कोई कहता है कि भाई कॉस ऑफ 300 डिग्री की वैल्यू बताइए, तो अगर कॉस 300 डिग्री की वैल्यू हमें निकालनी है तो 300 को मैं इस तरह से लिख सकता हूं, कॉस ऑफ 270 प्लस 30, ठीक है, 270 प्लस 30 का मतलब 3π/2, तो ये 3π/2 प्लस 30 ऐसे लिखा जा सकता है। अच्छा जहां भी 270 या 90 होता है वहां cos का साइन हो जाता है, तो यहां पर हो जाएगा साइन ऑफ 30। अच्छा एक और इसके अंदर बात है कि ये क्वाड्रेंट है चौथा, चौथे क्वाड्रेंट के अंदर cos जो होता है वो पॉजिटिव ही आता है, तो ये जो नंबर आएगा ये पॉजिटिव ही आएगा, तो ये सीधे सीधे वैल्यू जो आएगी 1/2 आ जाएगी, ठीक है। और इसके अंदर आता है क्वेश्चन, ये बताएं साइन ऑफ 480 डिग्री की वैल्यू, तो अगर मुझे साइन 480 की वैल्यू लिखनी वैल्यू निकालनी है तो साइन 480 की वैल्यू में से लिखेंगे, इसको लिखेंगे साइन ऑफ 360 प्लस जो भी एंगल आया 120 आया, तो 360 प्लस समथिंग, 360 प्लस थीटा, अगर ये कुछ भी है मान लीजिए 120 जो भी है, ये 360 प्लस 360 जब हम करेंगे तो 360 का मतलब हम यहां से यहां पहुंच गए। अब इसके अंदर हम कुछ भी जोड़ेंगे तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गए, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गए तो उसके लिए फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो सारा ही पॉजिटिव होता है, तो हम इसको लिख सकते हैं साइन ऑफ 120, ऐसा लिख सकते हैं। 180 और 360 का रूल सेम होता है, 90 और 270 का रूल सेम होता है, तो ये साइन का साइन ही रह जाएगा साइन ऑफ 120। अब हम इसको और लिखें, साइन 120 को सिंप्लीफाई करना है तो इसको हम लिख सकते हैं साइन ऑफ 90 प्लस 30, ऐसे लिख सकते हैं साइन 90 प्लस 30। अब ये साइन 90 प्लस 30, 90 प्लस समथिंग जो होता है वो साइन का कॉस हो जाता है, कॉस का साइन, तो खैर यहां साइन है तो कॉस हो जाएगा, तो ये कॉस 30 हो जाएगा। सेकंड क्वाड्रेंट ये आ रहा है 90 प्लस समथिंग, सेकंड क्वाड्रेंट है तो ये पॉजिटिव ही रहेगा, तो ये रूट 3/2 के बराबर आ जाएगा। इस तरह से अलग अलग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के लिए जो वैल्यू होती है वो हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं। तो ये कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज होती हैं, आइडेंटिटीज का मतलब ये होता है कि कुछ फार्मूले होते हैं, आप ऐसे समझ लेते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज का मतलब ट्रिग्नोमेट्री के कुछ फार्मूले होते हैं, जो फार्मूले जो है वो मतलब उनका मैं डेरिवेशन तो आपको कराऊंगा ना, जितना फिजिक्स में जरूरत है उतना ही कराऊंगा। तो ट्रिग्नोमेट्रिक जो आइडेंटिटीज होती है वो क्या क्या होती है, जैसे एक आइडेंटिटी ये अक्सर यूज में आती है साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी की वैल्यू आती है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ये साइन ए प्लस बी की वैल्यू आती है। अगर मान लीजिए बाय चांस इसी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी के अंदर अगर आप मान लीजिए कि ये पहली आइडेंटिटी थी, मान लीजिए कि ए इज इक्वल टू बी हो जाए, ठीक है, तो अगर ए इज इक्वल टू बी हो जाए तो यहां पर हम ए की जगह बी कर देंगे तो ये हो जाएगा साइन ए और बी बराबर हो गए तो हो गया साइन 2a, और इधर ए और बी बराबर है तो साइन 2a हो जाएगा 2sin a कॉस ए। ये आइडेंटिटी आपको याद रखनी है, ये तो रखनी ही याद, ये भी रखनी है, ये भी अक्सर यूज में आती है, अक्सर काम में आती है, साइन 2a की वैल्यू
टू साइन ए कॉस ए आती है, या साइन ए प्लस बी को हम साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन भी कर सकते हैं। यहां पे मैं बी की जगह ए कर दिया तो ए प्लस ए टू ए हो गया, और यहां भी ए हो गया, यहां भी ए हो गया, तो ये साइन ए कॉस ए, तो टू साइन ए कॉस ए हो गया, तो ये पहला आ गया। तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के अंदर पहला आ गया। अब दूसरी ट्रिग्नोमेट्री, ये आपको याद करना है जो बॉक्स के अंदर मैं भर रहा हूं, ये सब आपको याद करना है। दूसरी जो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है वो है कॉस ऑफ साइन ऑफ ए माइनस बी। तो साइन ए माइनस बी की अगर हम वैल्यू निकालेंगे तो ये हो जाएगा, बस बी की जगह माइनस बी हो जाएगा, तो ये हो जाएगा साइन ऑफ ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी हो जाएगा। ठीक है, ये भी आप याद कर लेंगे, उसी तर्ज पे है, मतलब ये आसानी से याद हो जाएगी। साइन ए कॉस बी, साइन ए माइनस बी होगा साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। ये तो ट्राइन एंगल का हो गया, दो एंगल का हो गया। अब इसी के अंदर तीसरी जो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है वो मैं लिखता हूं कॉस के लिए, ये है कॉस ऑफ ए प्लस बी। कॉस ए प्लस बी किसके बराबर आएगा सोचो, कॉस ए प्लस बी आता है कॉस ऑफ ए कॉस ऑफ बी माइनस साइन ऑफ ए साइन ऑफ बी। अगर कॉस ए प्लस बी लिखूंगा तो ये कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, ये भी एक आइडेंटिटी है, ये भी आपको याद रखनी है। कॉस ए प्लस बी इज इक्वल टू कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए प्लस बी। अब इसके अंदर कई बार ऐसा होता है कि ए और बी आपस में बराबर हो जाते हैं, तो अगर ए और बी आपस में बराबर हो जाते हैं, ठीक है, जैसे इस पर्टिकुलर केस में अगर देखें, यहीं पे देख लेता हूं, मैं यहीं बता देता हूं, अगर ए इज इक्वल टू बी, देखिए जरा ध्यान से, अगर ए इज इक्वल टू बी है और ए और बी दोनों बराबर हो गए, तो ए और बी बराबर हो गए तो ए और ए कितना हो गया टू ए, तो ये कितना आ जाएगा, अगर ए और बी बराबर हो गए तो उस कंडीशन में चलिए मैं यहां यहीं पे लिख दे रहा हूं, ये हो जाएगा कॉस टू ए, इधर लिखता हूं मैं कॉस टू ए, और कॉस टू ए की जो वैल्यू आ जाएगी ये बराबर जाएगी कॉस ए कॉस ए माइनस साइन ए साइन ए, तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, ये कॉस टू ए की वैल्यू है। बहुत इस्तेमाल होता है इसका सवालों में, इससे ज्यादा इस्तेमाल इसका होता है, इससे ज्यादा इस्तेमाल इसका होता है साइन टू थीटा टू साइन थीटा कॉस थीटा, और अगर कॉस टू थीटा की वैल्यू हम लिखेंगे तो ये कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए हो जाएगा। अब एक अपने पास रिजल्ट था साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन, ये रिजल्ट था अपने पास, याद करें साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू वन, एक ऐसा रिजल्ट था। और अगर हम वहां से साइन स्क्वायर ए की वैल्यू यहां पुट कर दें तो एक और रिजल्ट बनता है, जो वो भी आपको याद करना है, कॉस टू ए हो जाता है टू कॉस स्क्वायर ए माइनस वन, और अगर मैं कॉस स्क्वायर ए की जगह वन माइनस साइन स्क्वायर ए लिख दूं तो यही बन जाता है रिजल्ट वन माइनस टू साइन स्क्वायर ए, मतलब कॉस टू ए जो आएगा, ये दोनों रिजल्ट आपको याद रखने हैं, कॉस टू ए होगा टू कॉस स्क्वायर ए माइनस वन, यही होगा वन माइनस टू साइन स्क्वायर ए, और यही कॉस टू ए कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए भी लिखा जा सकता है। तो ये आपके कॉस और साइन के ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज थी। तो जैसे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन का आ गया कॉस का आ गया दो एंगल के जोड़ के हिसाब से, ऐसे ही टैन में भी आता है कॉट में भी आता है, तो जैसे टैन का जो बनता है वो मैं लिख दे रहा हूं, टैन ऑफ ए प्लस बी, टैन ए प्लस बी जो आता है ये बराबर होता है टैन ए प्लस टैन बी अपॉन वन माइनस टैन ए टैन बी, ये टैन ए प्लस बी आ जाता है। अगर बाई चांस ए इज इक्वल टू बी कर दिया जाए, बाई चांस ए इज इक्वल टू बी कर दिया जाए तो इसके अंदर फिर यही ए और बी हो जाएगा, तो ये हो जाएगा टैन टू ए और टैन ए प्लस टैन ए टू टैन ए अपॉन वन माइनस टैन स्क्वायर ए दिया जाएगा। ये टैन ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है। एक और छोटे सा इसके अंदर ट्रिग्नोमेट्री में रिजल्ट रहता है जो आपको दिमाग में रहना चाहिए, कि जैसे मान लीजिए कई बार ऐसा साइन एंगल माइनस कर देते हैं, तो साइन माइनस थीटा जो होता है वो माइनस साइन थीटा होता है, ठीक है, कॉस माइनस थीटा जो होता है
माइनस थीटा चौथे क्वाड्रेंट का एंगल है और चौथे क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव होता है तो कॉस माइनस थीटा जो आता है वो कॉस थीटा आ जाता है, ध्यान रहे। और टैन माइनस थीटा जो है ये आता है माइनस टैन थीटा, ये भी ध्यान रहे। जैसे मान लीजिए कोई नेगेटिव एंगल आ गए तो साइन माइनस साइन थीटा, लेकिन कॉस माइनस थीटा जो है वो कॉस थीटा ही बना रहेगा और टैन माइनस थीटा जो होता है वो माइनस टैन थीटा के बराबर हो जाता है। तो ये ट्रिग्नोमेट्री की कुछ आइडेंटिटीज हैं जिनका इस्तेमाल हम लोग तरह तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने में करते हैं। जैसे ये जो मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज बताई, इनके इस्तेमाल के हिसाब से मैं एक आपको छोटा सा क्वेश्चन दे रहा हूं सॉल्व करने के लिए। आपसे मान लीजिए कोई कहता है कि भाई एंगल बताओ टैन ऑफ सेवेंटी फाइव डिग्री, कहता है टैन सेवेंटी फाइव डिग्री बताओ। एक मिनट का पॉज लेंगे आप, फिर मेरा सॉल्यूशन देखेंगे। टैन सेवेंटी फाइव का फॉर्मूला आपको नहीं पता है, कोई बात नहीं, नहीं पता है कोई बात नहीं। टैन सेवेंटी फाइव लिखने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसको ऐसे लिखेंगे पहले, टैन ऑफ 45 प्लस 30, ऐसा करेंगे। और टैन 45 प्लस 30 में तो आप देखो टैन ए प्लस टैन बी वाला फॉर्मूला लगा देंगे हम लोग यहाँ पे, टैन ए टैन बी, तो ये हो जाएगा टैन 45 प्लस टैन 30 अपॉन 1 माइनस टैन 45 टैन 30, ये आ जाएगा। अब हमें अगर टैन 45 की वैल्यू हमें पता है, टैन 45 की वैल्यू कितनी है 1, टैन 30 की वैल्यू है 1 बाई रूट 3, ये अब 1 प्लस 1 बाई रूट 3, 1 माइनस 1 बाई रूट 3, ठीक है। तो ये सॉल्व करने पर जो वैल्यू आ जाएगी ये आ जाएगी रूट 3 प्लस 1 अपॉन रूट 3 माइनस 1, ये आ जाएगा। तो इस तरह से अलग अलग जो ऐसे अननोन एंगल भी जो है उनको भी हम निकाल सकते हैं। जो आइडेंटिटीज आपको बताई मैंने ट्रिग्नोमेट्री वाली, ये जो आइडेंटिटीज हैं इन आइडेंटिटीज को यूज करके हम लोग बहुत सारे ट्रिग्नोमेट्री के अंदर वैल्यूज निकाल सकते हैं, बहुत सारे एंगल्स निकाल सकते हैं। तो कुछ प्रैक्टिस के हिसाब से मैं आपको एंगल निकालने जा रहा हूं। जैसे मान लीजिए आप सबको कहते नहीं भाई बताओ साइन ऑफ 67 डिग्री की वैल्यू। अब साइन 67 डिग्री की वैल्यू आपने तो याद नहीं कर रखी, जो मैंने टेबल बनाई है उसमें आपको मिलेगी नहीं और किसी बुक में भी जल्दी जब नहीं मिलेगी ये वैल्यू जब तक कि आप पूरा साइन वाला टेबल ना देखो। तो साइन 67 की वैल्यू निकालने की तरकीब क्या है, इसके निकालने की तरकीब ये है कि इसको हम ऐसे बोल सकते हैं दिस इज इक्वल टू साइन ऑफ 30 प्लस 37। अब हम यहां फार्मूला लगा देंगे साइन ए प्लस बी वाला, तो साइन ए प्लस बी का अगर हम फार्मूला लगाएंगे तो ये हो जाएगा साइन ऑफ, ये ए हो गया ये बी हो गया, तो साइन ए प्लस बी का फार्मूला अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था वो होता है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, तो हो जाएगा साइन 30 कॉस 37 प्लस कॉस 30 साइन 37, ये हो जाएगा। साइन 30 की वैल्यू आ गई 1 बाई टू, कॉस 37 हो गया 4 बाई फाइव, कॉस 30 आ गया रूट 3 बाई टू, साइन 37 जो है ये हो गया 3 बाई फाइव, ये सारी वैल्यूज मैं आज आपको बताई चुका हूं। तो ये हो जाएगा 4 प्लस 3 रूट 3 अपॉन, ये वैल्यू आ जाएगी साइन 67 की। तो बहुत सारे ऐसे एंगल होते हैं जिनकी हमें वैल्यू नहीं पता होती है, लेकिन हम उन एंगल्स की वैल्यू ऐसे निकाल सकते हैं कि हम उनको दो उसमें तोड़ लें, ए और बी में तोड़ लें और फिर उसके बाद हम एंगल्स की वैल्यू निकाल सकते हैं। जैसे यहां पर देखिए एक और सवाल, आपसे कोई कह रहा भाई साइन 15 डिग्री की वैल्यू बताओ, साइन 15 डिग्री की वैल्यू बताओ। एक मिनट का पॉज लेके खुद से सॉल्व करेंगे और फिर मेरे साथ देखेंगे। तो साइन 15 डिग्री की वैल्यू मुझे चाहिए, तो इसका तरीका क्या है, मैं इसको ऐसे लिखूंगा साइन ऑफ 45 माइनस 30, कुछ ऐसे नोन एंगल में इसको हम तोड़ ले तो ये साइन 45 माइनस 30 हो जाएगा और फिर साइन ए कॉस बी का फॉर्मूला, साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला लगा दूं मैं। साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला जो है वो है साइन ए कॉस बी, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, ये हो जाएगा। साइन 45 हो जाएगा 1 बाई रूट 2, कॉस 30 हो जाएगा रूट 3 बाई 2, कॉस 45 हो जाएगा 1 बाई रूट 2 और साइन 30 हो जाएगा 1 बाई 2। सॉल्व करेंगे हम लोग इसको, सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा रूट 3 माइनस 1
अपॉन टू रूट टू। तो इस तरह से हम लोग साइन 15 डिग्री की वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। तो कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हो, अगर हमें उसका एंगल निकालना है तो जरूरी नहीं कि हमें पहले से पता हो, हम कुछ ऐसे गुणा गणित करके चीजों को हेर फेर करके और हम उसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। एक और चलिए मैं यहां पे सवाल करवाता हूं। हमें वैल्यू चाहिए कॉस ऑफ 22.5 डिग्री की वैल्यू चाहिए, कॉस 22.5 डिग्री की वैल्यू चाहिए। एक मिनट का पॉज लेंगे और फिर उसके बाद जो है आप मेरा सॉल्यूशन देखेंगे। तो कॉस 22.5 की अगर मुझे वैल्यू चाहिए तो ये 22.5 कुछ देखा देखा सा लग रहा होगा आपको, देखा देखा सा का मतलब आप ये समझ दो कि ये 45/2 होगा। 45/2 अगर हम कर दें तो ये कॉस 22.5 आ जाएगा। तो बेसिकली इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं कॉस ऑफ 45/2। अब टू वाले जो रिजल्ट थे वो टू वाले रिजल्ट मैं आपको बता रहा हूं, टू वाले रिजल्ट ये थे कॉस 2 थीटा जो आया था वो आया था 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। एक रिजल्ट मैं अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था। तो अगर थीटा की वैल्यू मैं 22.5 ले लूं तो देखो यहां से मेरा काम हो जाएगा। अगर मैं थीटा की वैल्यू 22.5 लूंगा तो 2 × 22.5 ये 45 हो जाएगा। तो कॉस 45 इज इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर 45/2 माइनस 1 ये हो जाएगा। अब देखो कॉस 45 की वैल्यू तो मुझे पता ही है, तो अगर मुझे कॉस 45 की वैल्यू पता है तो मैं यहां से कॉस स्क्वायर 45/2 की वैल्यू जो है वो निकाल सकता हूं। कॉस स्क्वायर 45/2 की वैल्यू देखिए यहां से निकल जाएगी, देखिए वहां नीचे जो आपको दिख रहा है उससे हम आएंगे तो ये हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर 45/2 इज इक्वल टू 1 प्लस कॉस 45। कॉस 45 1 है तो ये जाएगा 1 प्लस 1 बाई रूट 2। तो कॉस स्क्वायर 45/2 मतलब 22.5 इज इक्वल हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 1/2 प्लस 1/2 रूट 2। ये कॉस 22.5 मैंने रूट ले लिया तो कॉस ऑफ 22.5 जो आएगा कॉस ऑफ 22.5 इज इक्वल टू 1/2 प्लस 1/√2। तो जैसे बहुत सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस मैंने आपको बताए उनका कुछ इस्तेमाल भी बताया, कुछ और छोटी छोटी चीजें होती हैं इससे जुड़ी हुई जो मैं आपको सिखाना चाहता हूं। जैसे एक यहां पर एक फॉर्मूला और बनता है कॉस ए माइनस बी। कॉस ए माइनस बी का जो फार्मूला होता है वो बराबर होता है कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। एक फार्मूला हो जाता है कॉस ए माइनस बी इज इक्वल टू कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, ये भी फार्मूला होता है। एक और यहां पे रिजल्ट आता है ट्रिग्नोमेट्री में जो इंपॉर्टेंट होता है वो भी मैं आपको सिखाऊंगा। जैसे मान लीजिए कि वाई जो है ये बराबर है ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा। इसकी जरूरत फिजिक्स में पड़ती रहती है, मैं डिटेल में नहीं जा रहा हूं कि ये रिजल्ट आया कहां से, लेकिन अगर वाई की वैल्यू ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा है तो वाई की जो मैक्सिमम वैल्यू होगी जिसको हम वाई मैक्स बोलेंगे ये बराबर आता है अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। वाई की जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आएगी और वाई की जो मिनिमम वैल्यू होगी होगी माइनस ऑफ अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। मतलब अगर वाई ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा इस फॉर्मेट का दिया हुआ है तो उस कंडीशन में वाई की जो अधिक से अधिक वैल्यू पॉसिबल हो सकती है वो अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है और जो कम से कम हो सकती है वो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के बराबर है। वाई मैक्स जो है वो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है और वाई मिन जो है वो अंडर रूट ऑफ सॉरी ये यहां प्लस ही रहेगा ये माइनस होगा तो माइनस अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये ट्रिग्नोमेट्री का एक और फॉर्मूला आ गया। एक और छोटी सी बात है कि जैसे कई बार हम लोग एंगल रेडियन में मेजर करते हैं, कई बार एंगल डिग्री में मेजर करते हैं, तो जब रेडियन और डिग्री में एंगल मेजर करते हैं तो कई बार हमें रेडियन और डिग्री का रिलेशन चाहिए होता है। तो इसके अंदर एंगल को अगर रेडियन और डिग्री में मेजर करना है तो उसमें बहुत सीधा सा एक हिसाब होता है आपको याद करना है, पाई रेडियंस जो होते हैं दे आर इक्वल टू 180 डिग्री। पाई रेडियन 180 डिग्री के बराबर है तो हम ऐसा कह सकते हैं कि 1 डिग्री इज इक्वल टू
पाई अपॉन 180 रेडियंस, एक डिग्री जो है वो पाई अपॉन 180 रेडियन के बराबर है। अब जैसे मान लीजिए 60 डिग्री है, तो 60 डिग्री को आप रेडियन में कन्वर्ट करेंगे तो एक डिग्री पाई अपॉन 180 के बराबर है, तो 60 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करेंगे तो पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये कितना हो जाएगा पाई बाई 3 रेडियन। तो रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना और डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना जो है ये यहां से हम लोग देख सकते हैं। ठीक है, एक और छोटी सी बात है जो कि आगे यूज होगी, फिजिक्स में बार बार यूज होती है, बहुत छोटी सी, कुछ कुछ ट्रिग्नोमेट्री की जो बातें मैं आपको बता रहा हूं, ये मैं आपको ट्रिग्नोमेट्री नहीं पढ़ा रहा हूं, ट्रिग्नोमेट्री तो गणित का एक पार्ट है और मैथ के अंदर जो ट्रिग्नोमेट्री होती है पूरा चैप्टर होता है, उसको महीने दो महीने चार महीने पढ़ते हैं, लेकिन अपने काम काम का जो है वो हम लोग यहां से निकाल रहे हैं। तो रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना आना चाहिए। एक और बात होती है कि अगर थीटा स्मॉल है, यहां पर लिख दे रहा हूं मैं, इफ थीटा इज स्मॉल एंड मेजर्ड इन रेडियन, अगर थीटा स्मॉल है और रेडियन में मेजर किया गया है, इन दैट कंडीशन, अगर थीटा स्मॉल है और रेडियन में मेजर किया गया है तो उस कंडीशन में, स्मॉल का मतलब दो डिग्री तीन डिग्री चार डिग्री तक, तो और रेडियन में मेजर किया गया है, तो इन दैट कंडीशन साइन थीटा जो होता है दैट इज इक्वल टू नियरली इक्वल टू थीटा एंड कॉस थीटा इज नियरली इक्वल टू वन एंड टैन थीटा इज नियरली इक्वल टू थीटा। अगर ये थीटा स्मॉल है तब, हमेशा नहीं कि साइन थीटा आप थीटा ही कर दो, अगर थीटा स्मॉल है, शर्त क्या है, शर्त दिमाग में रहे, भूल जाती है बच्चों को, ये शर्त दिमाग में रहनी चाहिए कि थीटा स्मॉल है और थीटा रेडियन में होना चाहिए, तो अगर थीटा स्मॉल है और रेडियन में है तो साइन थीटा हो जाएगा, कॉस थीटा लगभग वन हो जाएगा और टैन थीटा की वैल्यू थीटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बार बार फिजिक्स में इस्तेमाल होती है, अगर थीटा स्मॉल है और थीटा रेडियन में है इन दैट केस साइन थीटा होगा, कॉस थीटा वन होगा, टैन थीटा थीटा के बराबर हो जाएगा। तो ये ट्रिग्नोमेट्री के कुछ खास खास बातें रही।